दीपेंद्र हुड्डा, एक बार जोरदार तालियां अपने भाई के लिए। राम राम जी। हमारे बीच में हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, आपके हमारे सबके नेता, सोनीपत से कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी, हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मंच पे विराजमान, सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, सभी वरिष्ठ नेतागण, गोहाना में उपस्थित आज की इस जनसभा में सभी मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज मैं आप सबको बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। मैंने तो अपने जीवन में, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे प्रत्यक्ष में हो या अप्रत्यक्ष में हो, मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा जनसमूह कभी देखा नहीं। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा। और आज ये प्रतीक है गोहाना में, ये जनसमूह प्रतीक है। आज सच्चाई की जीत भाजपा की झूठ की राजनीति का प्रतीक है। ये प्रतीक है सच्चाई की जीत का, ये प्रतीक है अच्छाई की जीत का नकारात्मक राजनीति पे, ये प्रतीक है भाईचारे की जीत का समाज को तोड़ने की राजनीति पे, ये प्रतीक है विकास की राजनीति का विभाजन की राजनीति के ऊपर, ये प्रतीक है बदलाव का। और ये बदलाव केवल दिल्ली तक नहीं जाएगा, आज का ये बदलाव चंडीगढ़ तक जाएगा, आपकी सरकार लेके आएगा। आज मैं बधाई आपको शुभकामनाएं देता हूं। 1857 की क्रांति आज के दिन से शुरू हुई थी, जो क्रांति की चिंगारी, जो हमारे देश में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, आज हम सलाम करते हैं उन अमर शहीदों का, मंगल पांडे को सलाम करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, कदम सिंह गुज्जर, शहीद राव तुलाराम, शहीद बिशरत अली, झज्जर के नवाब, हर जाति हर धर्म से ये सबने एक मिलकर एक लक्ष्य लेके चले थे, देश की बुनियाद रखने का काम उन्होंने किया था। आज ही के दिन 1857 में वो चिंगारी आई थी और उस चिंगारी की एक ही आवाज थी कि देश एक है, ये देश सभी धर्मों का है, ये देश छत्तीस बिरादरी का है और हम एक मिलके इस देश को आजादी की तरफ लेके जाएंगे। 1857 से लेके 1947 तक सबने एक, सब धर्म जाति भाषा भूषा सबने एक होके इस देश के लिए काम किया, इस देश की भाईचारे की मिसाल बनाने का काम किया। आज कुछ लोग देश की बात करते हैं, कुछ लोग देशभक्ति की बात करते हैं, मगर देश में भाईचारे को बांट के अपनी राजनीति करना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाकर समाज में विभाजन करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, ये देश सबका है, ये देश आपका भी है, ये देश हमारा भी है, ये देश एक एक भारतवासी का है, ये देश हर धर्म का, हर जाति का, हर भाषा का, हर प्रांत का, ये हमारा देश एक है। बड़े वायदे करके आए थे सरकार में, बड़े वायदे करके लोग आए थे सरकार में, कहा था 15 लाख आएंगे, 100 दिन में काला धन लाएंगे, स्वामीनाथन कमीशन लागू करेंगे, किसान की फसल का भाव दुगना करेंगे, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, नौजवान को 2 करोड़ नौकरी देंगे, जवान को 1 रैंक 1 पेंशन पूरी तरीके से लागू करके देंगे, गरीब के लिए अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम कराएंगे, डीजल पेट्रोल को सस्ता कराएंगे। जब लोकसभा में मैंने पूछा ऐसे अच्छे दिन कब आएंगे,
तो इन्होंने जवाब दिया हम तारीख नहीं बताएंगे। मैंने कहा तारीख क्यों नहीं बताओगे, तो कहा कि हमने राम मंदिर की तारीख नहीं बताई तो अच्छे दिनों की तारीख क्यों बताएंगे। उन बातों पे तो बात ही नहीं कर रहे, मुद्दे बदल गए, हर वायदे से विपरीत काम किया। किसान को कहा था आमदनी दुगनी करेंगे मगर दाम दिया नहीं। कांग्रेस राज में चाहे गेहूं था, चाहे सरसों थी, चाहे धान था, तीन तीन गुना भाव बढ़ाने का काम हमने किया था। बीजेपी के 5 साल में 3% भाव गेहूं पे, 3.5% भाव बढ़ोतरी हुई सरसों पे, धान का तो भाव एक्सपोर्ट वैरायटी कम करके, दाम दिया नहीं, खर्चे दुगने कर दिए, डीजल दुगना, खाद का कट्टा दुगना, प्रधानमंत्री फसल बीमा अलग कटाओ, किसान पे खर्चा दुगना कर दिया, कर्जा दुगना कर दिया, गरीब आदमी की सारी योजनाएं बंद कर दी। गरीब पे सबसे ज्यादा चोट इस सरकार पे पड़ी है। 100-100 गज की प्लॉट की स्कीम जो हुड्डा साहब ने कांग्रेस की सरकार में शुरू करी थी, 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी। हमारे समय 4 लाख प्लॉटों परिवारों को प्लॉट मिले थे, वो स्कीम खत्म। मकान की स्कीम खत्म, गरीब आदमी के मकान आते थे वो स्कीम खत्म। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति वजीफा योजना, उच्च शिक्षा में गरीब के बच्चे को वजीफे की योजना खत्म। मनरेगा की योजना, गरीब को मजदूर को सहारा था, वो तो कम से कम खत्म नहीं करनी चाहिए थी मगर उसका बजट खत्म। गरीब आदमी पे बड़ी चोट, 5 साल तक सर्वे नहीं हुआ, किसी का बीपीएल कार्ड नहीं बना, किसी की पेंशन नहीं बनी, गरीब आदमी की सुध नहीं ली 5 साल तक। संविधान को जलाने का काम जंतर मंतर पे किया। गरीब आदमी सड़क पे आया भारत बंद का नारा देके, मगर उनकी एक सुनवाई नहीं हुई। अनुसूचित जाति एससी वर्ग के हमारे भाइयों के अधिकारों को छीनने का काम इस सरकार ने किया। इसी तरीके से नौजवान को कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे मगर अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दिया। अपने अहम को साबित करने के लिए नोटबंदी लागू करी, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ गया। आज देश में चीन के युद्ध के बाद 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर पहुंचा दिया इस सरकार ने। हर दूसरे घर में नौकरी का वायदा किया था मगर हर घर में बेरोजगार आज खड़ा कर दिया, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी इस सरकार में। 5 साल में कभी इतना कम निवेश नहीं हुआ हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, हरियाणा के अंदर इतना कम निवेश नहीं हुआ जितनी इस सरकार में हुआ है। वायदे कुछ और थे, काम कुछ और किया, मगर जब कोई आवाज उठा के इनसे सवाल पूछता है, पूरे देश में कोई मजबूत आवाज उठा के इनसे सवाल पूछता है, उस आवाज को बंद करने की कोशिश करते हैं। 5 साल तक हम जब लड़ाई लड़ते थे, हम पूछते थे कि काम की बात बताओ, तो कहते थे काम की बात नहीं बताएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र की आवाज को बंद कराएंगे। हम कहते थे काम की बात बताओ, तो कहते थे भूपेंद्र जी को और दीपेंद्र को इस चुनाव में हराएंगे। तो भाई मैं कहना चाहता हूँ, निशाना हम पे साधते हैं, हम पे निशाना साधते हैं, हम पे निशाना साधते हैं, हम पे निशाना साधते हैं। पहले कहते थे बीजेपी वाले कि रोहतक और सोनीपत में बहुत काम कर दिया, लगातार हम पे आरोप लगाए, रोहतक और सोनीपत पे ज्यादा काम में ज्यादा काम हो गया। हमने सहा, हौसले के साथ सहा उस आरोप को जो गलत था। दिल्ली के एक तरफ गुड़गांव, एक तरफ फरीदाबाद, एक तरफ नोएडा और एक तरफ रोहतक सोनीपत, मन में टीस होती थी 2005 से पहले, जब हम गुड़गांव को देखते थे, नोएडा को देखते थे, फरीदाबाद को देखते थे, जो दिल्ली के आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ था, और जब हम रोहतक में आते थे, सोनीपत में आते थे, इस इलाके में आते थे, तो हमें लगता था कि जितना विकास यहाँ होना चाहिए, वहां पे जाते थे 4 लेन के हाईवे दिखते थे, बाईपास दिखते थे, बड़ी इमारतें दिखती थी, शिक्षा के संस्थान, यूनिवर्सिटीज दिखती थी, उद्योग दिखते थे। जब अगर हम अपने इलाके में आते थे तो हमें लगता ही नहीं था कि दिल्ली के हम नज़दीक हैं। दिल्ली वालों को भी नहीं पता था कि दिल्ली का उतना ही नज़दीक गुड़गांव और नोएडा है और उतना नज़दीक रोहतक और सोनीपत है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि वो जो अनदेखी की गई थी, इस इलाके की अनदेखी हुई थी, और उसका नुकसान पूरे हरियाणा को था, क्योंकि जब विकास का रास्ता इस तरफ आएगा तो पूरे हरियाणा का उसमें लाभ है। मुझे आज खुशी है इस बात की, और मैं प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी इलाके के अंदर इन दो लोग सबसे ज़्यादा देश में अगर आज कनेक्टिविटी है, आज अगर 4 लेन के हाईवे, नेशनल हाईवे और बाईपास हैं, तो प्रधानमंत्री जी के बनारस लोकसभा क्षेत्र में नहीं, वो रोहतक और सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा बाईपास। मुझे खुशी है इस बात की कि आज अगर देश में सबसे ज़्यादा शिक्षा के संस्थान हैं, एम्स, IIT, IIM, IIIT, यूनिवर्सिटीज़,
जींद की यूनिवर्सिटी से लेकर खानपुर की महिला यूनिवर्सिटी तक, चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी से बाबा साहब अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी तक, न्यूक्लियर साइंस यूनिवर्सिटी जसोर खेड़ी से लेकर एम्स और देश का दूसरा एम्स झज्जर तक, आज खुशी है सब मेरे को इस बात की कि देश के सबसे ज्यादा अगर शिक्षा के संस्थान कहीं हैं तो वो इन दो लोकसभा क्षेत्र में, किसी भी लोकसभा क्षेत्र ज्यादा। मगर मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ ये जो पिछड़ापन था उसको दूर करने की कोशिश थी, किसी की अनदेखी नहीं की गई थी। पूरे हरियाणा को विकास की बुलंदी पे पहुंचाने का काम पूरे हरियाणा को और भाईचारे के साथ 9 साल सरकार, 9.5 साल हमारी रही। गर्व है इस बात का, 9.5 साल में कभी भाईचारे पे आंच नहीं आई, 9.5 साल में कभी आपस में कोई खटास पैदा नहीं हुई, 9.5 साल में ये आरोप ये भी नहीं लगा पाए हम पे। गर्व है इस बात का, 9.5 साल में कभी कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ी। आपकी 5 साल में 4 बार फौज आई, गोलियां चली, पंचकुला जला, हिसार जला, रोहतक जला। गर्व है इस बात का। गोली चलने की बात तो दूर है, फौज बुलाने की बात तो दूर है, 9.5 साल हमारी सरकार रही, किसी को गोली या गोली चलाने की बात दूर है, फौज बुलाने की दूर है, लाठीचार्ज भी नहीं हुआ। अगर धक्के भी किसी ने खाए तो दीपेंद्र ने धक्के खाए, किसी को धक्का भी लगने का काम नहीं हुआ। गर्व है इस बात। आपस में भाईचारे के साथ ये प्रदेश आगे बढ़ा था, मगर निशाना साधते हैं, इलाकेवाद का निशाना साधते हैं, झूठा निशाना साधते हैं और निशाना साधते हैं मेरे पे। कई दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सारे एक निशाना साधते हैं। मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी का बयान, कई दिनों से आता है, कहते हैं कि भाई दीपेंद्र किसी काम का लड़का नहीं है, केवल हुड्डा साहब की वजह जीतता है। मेरे मन में टीस होती है इस बात की, कहता हुड्डा साहब की वजह जीता 3 बार, इस बार उसको सबक सिखाने का समय आ गया, वो किसी काम का लड़का नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा काम भी आपके सामने, मेरा व्यवहार भी आपके सामने, मेरा संघर्ष भी आपके सामने, मेरा तपस्या भी आपके सामने। मैं आपसे पूछता हूँ मन से आत्मा से आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो मुख्यमंत्री जी से लेकर इनके सभी मंत्रियों तक, अमित शाह जी से लेकर और पूरी राष्ट्रीय बीजेपी तक जो मुझको निशाने पे लेती है, मैं आपसे पूछता हूँ इस बात को लेके भी जो निशाना हम पे आता है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मैं आपके भरोसे पे इन वर्षों में पूरा उतरा कि नहीं उतरा, अपनी मन से आत्मा से आप बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ ये जो राजनीति देश में नकारात्मक राजनीति, जिस राजनीति में केवल कीचड़ है, जिस राजनीति में नकारात्मकता है, कीचड़ है, मैं आपसे पूछता हूँ, 14 साल में इस राजनीति में मेरे कपड़ों पे इस कीचड़ में एक कोई छींटा पड़ा तो मैं आपसे पूछता हूँ ये जो बीजेपी वाले हमें निशाना पे लेते हैं इनके, मैं आपसे पूछता हूँ, ये बीजेपी वाले भी क्या मेरी सच्चाई पे, मेरी ईमानदारी पे, या बीजेपी वाले भी कोई उंगली उठा सकते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। मेरा यही भाजपा वाले, इनकी सरकार, ये किसी दूसरे को कुछ देके खुश नहीं, मगर इनकी सरकार, और जब लोकसभा में श्रीमती सुमित्रा महाजन जी लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में जो कमेटी गठित हुई, सबसे सांसद की जब बारी आई तो विपक्ष में थे, मगर इसी बीजेपी के ज्यादातर सदस्य थे उसमें, उन्होंने वो अगर कहीं किसी के नाम, वो जो है वो अगर खिताब कहीं किसी के नाम आया तो इन्होंने ही देने का काम किया था। आज मेरे को ये निशाने पे रखने की बात करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज आपने इतिहास रचा है, मगर हम नकारात्मक राजनीति का जवाब नकारात्मक राजनीति से नहीं देंगे। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे रोहतक में, उन्होंने एक बात की जिस बात की मन में मेरे को टीस है, उन्होंने कहा कि सबक सिखाने का टाइम है, और इस चुनाव में उन्होंने कहा कि दीपेंद्र प्राइवेट बच्चा है, प्राइवेट लिमिटेड का बच्चा है। पहले तो मेरे को ये नहीं पता प्राइवेट लिमिटेड का बच्चा होता क्या है, कहा कि प्राइवेट लिमिटेड का बच्चा है और दीपेंद्र को घर बिठाने का टाइम आ गया है, रिटायर कराने का टाइम आ गया। आपने भी वो बयान देखा होगा,
मैंने जब वो बयान पढ़ा मुझे बड़ी मेरे को बड़ी टीस हुई दिल में। ये रिटायर करने की बात कर रहे हैं, घर बिठाने की बात कर रहे हैं। अरे भारत सरकार में तो ज्वाइनिंग 40 पे होती है, अभी तो मेरी ज्वाइनिंग की डेट रह रही है, ये रिटायर की बात कर रहे हैं, ये रिटायर की बात कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विचारधाराओं का टकराव है। एक तरफ विकास की विचारधारा खड़ी है, हम अपने काम बताकर अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर लोग के बीच में जाते हैं, और दूसरी तरफ विभाजन की राजनीति है। विकास की और विभाजन की राजनीति का टकराव है, सच्चाई की और झूठ की विचारधाराओं का टकराव है, अच्छाई की और बुराई की विचारधाराओं का टकराव है। और उस टकराव की आवाज़ को ये अपने विपक्ष की आवाज़ को ये बंद कराना चाहते। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई हमारा मगर नकारात्मक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आज आपने इतिहास रच दिया, आज गोहाना से हरियाणा को दिशा देने का काम आपने किया है, मगर हम नकारात्मक दिशा में नहीं जाएंगे। हमारा लक्ष्य किसी को रिटायर कराने का नहीं है, हमारा लक्ष्य किसी को हराने का नहीं है। वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह है, सबका सबकी अपनी अपनी विचारधाराएँ होती है, वो अपनी पार्टी में, हम अपनी पार्टी में। हमारा नकारात्मक लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य हरियाणा को सही रास्ते पे लेके जाने का है। हमारा लक्ष्य हरियाणा में हरियाणा को उसी भाईचारे से आगे लेके जाने का है जो 1857 की क्रांति में जिस भाईचारे के साथ राजा नाहर सिंह, राव तुलाराम, बिरसत अली, नवाब झज्जर और मंगतराम गुजर, कदम सिंह गुजर, सारे इकट्ठे होकर मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, जिस भाईचारे के साथ उन्होंने भारत का सपना लिया था, हमारा लक्ष्य उसी भाईचारे के साथ हरियाणा को आगे लेके जाने का है। हमारा लक्ष्य हरियाणा में विकास के उसी पहिए को उसी रफ्तार से, उससे तेज रफ्तार से घुमाने का है। हमारा लक्ष्य जो रेल कोच फैक्ट्री गोहाना की है उठाकर बनारस लग गए, उस रेल कोच फैक्ट्री को दोबारा गोहाना में लेके आने का। हमारा लक्ष्य जो महम का एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जिसको उठा के नोएडा बीजेपी ले गई, उस एयरपोर्ट को दोबारा महम में लेके आने का है। हमारा लक्ष्य पिछली बार जब सरकार आई थी तो 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का हमने काम किया था। 2009 और 14 के बीच में 5 साल में 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ा था, क्योंकि 9 में फैसला हुआ था दिल्ली के बाहर मेट्रो आएगी, बहादुरगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़। हमारा 5 साल इनकी सरकार को हो गए, 1 इंच मेट्रो, 1 खंभा मेट्रो आगे इन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया। 4 शहरों को हमने जोड़ा था। इस बार हमारा लक्ष्य बल्लभगढ़ की मेट्रो, ललित नागर जी बैठे फरीदाबाद से, बल्लभगढ़ की मेट्रो को पलवल तक, कुंडली से मेट्रो होते हुए सोनीपत तक, रिठाड़ा से मेट्रो होते हुए खरखोदा तक, और बहादुरगढ़ से मेट्रो तक रोहतक तक लेके जाने का हमारा लक्ष्य प्रदेश को आगे लेके जाने का है। हमारा लक्ष्य प्रदेश को आगे लेके जाने का है, ताकि आने वाले समय में हमारे प्रदेश में विकास की और आपस के भाईचारे की राजनीतिक दिशा हम प्रदेश में दें। चुनाव की जिम्मेदारी, अगले 2 दिनों की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से भाजपा नेताओं के भाषण देख रहा हूँ, उनके वक्तव्य देख रहा हूँ, आज भी और अगले 2 दिन भी वो आपस में माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य आपस में भाईचारे के साथ, अमन चैन के साथ इस चुनाव में एक ऐसा संदेश देना है जो संदेश, जो आपकी आवाज़ पूरे देश में जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं अपने चुनाव में था इसीलिए सोनीपत में मैं नामांकन पे पाया था और आज मैं आया हूँ। मेरे को सभी आके कहते थे कि भाई सोनीपत में जो है भाई रोहतक से फालतू, सोनीपत में रोहतक से फालतू जिता रहे हैं, यही सारे कहते थे। हम भी ये चाहते हैं, हुड्डा साहब का जो कद है देश में सबसे बड़े नेताओं में हुड्डा साहब की गिनती है, और आज इस रैली ने आपके जन समूह ने साबित किया, हम भी चाहते हैं हुड्डा साहब जो है बड़े मार्जिन से जीते, रोहतक के से भी ज़्यादा जीते, ये हम चाहते हैं। मगर मैं साथ में ये भी आपसे कहना चाहता हूँ भाई, जो इनकी स्टेटमेंट है सभी की, बीजेपी के तमाम नेता जो कहते हैं कि भाई दीपेंद्र किसी काम का नहीं, भाई हुड्डा साहब की वजह से 3 बार जीत गया, देखियो भाई हुड्डा साहब ज़्यादा जीते, बढ़िया लवे मन भी ला दियो ना, बूढ़ी बेइज्जती हो जाएगी।
तो मैं आखिर में यही कहूंगा, मैं बीच में आ नहीं पाया सोनीपत में, मगर धन्यवादी दौरा भाई जो है चुनाव प्रचार में रोहतक किया, धन्यवादी दौरा रोहतक से पहले मैं सोनीपत में करूंगा, आज मैं ये कहना चाहता हूँ। तो आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आज इतिहास रचा है, मगर आज आपकी इस क्रांति की आज शुरुआत है। जैसे 1857 क्रांति की आज चिंगारी का दिन है, हरियाणा के अंदर भी आपसी भाईचारा मिले मेल जोल के साथ हरियाणा को विकास की तरफ लेके जाने की क्रांति की आज शुरुआत है। और इस क्रांति दिवस पे मैं आप सबको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। 3 दिन पहले प्रियंका जी रोहतक आई थी और रोड शो करके गई, और वो रोड शो नहीं था, तोड़ शो था, और आज ये रैली नहीं, आज ये महातोड़ रैली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाइयों, मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इस ऐतिहासिक भाषण के लिए मुबारकबाद देता हूं। भाइयों, दीपेंद्र सिंह का भाषण आपने सुना, मैं आपको एक चीज आपने नहीं देखी वो बताता हूं। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंच पे आए और आपका प्यार देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और इतनी आंखों में आंसू आए कि पलकों के किनारों को तोड़ते हुए गालों पे लुढ़क पड़े, और खारे पानी की बूंदों को पहुंचते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह से एक बात निकली कि धन्य है मैं धन्य हूं जिसको इतना प्यार मिल रहा है। हुड्डा साहब आप क्या ऐसे, तो कोई ऋषि मुनि भी भावुक हो सकता है जिसको इतना प्यार मिले। सीधा सुनोगे कि एक गीत सुनवा दें? एक गीत सुनवा दो भाई, कुल 2 मिनट सुनो भाई, फिर सीधा बुलवाना है तो सीधा बुलवाने जैसा काम करो। करो मुट्ठी बंद, करो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फौज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये आवाज तो ब्राह्मण वास तक गई है, रोहतक तक नहीं गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूतपूर्व सैनिक हुड्डा साहब को पगड़ी पहना के सम्मानित कर रहे हैं, आप भी ताली बजा के शामिल हो जाओ। टोपी पहनाई है हुड्डा साहब, चल पड़े हैं, जब तक माइक पर नहीं आते तब तक तालियां बजती रहे पंडाल में, और जोर से। हुड्डा साहब अब शांत हो जाओ एक बार। हुड्डा साहब जिसके नीचे ठहरो एक बार, सुनो, बीच में नहीं इकट्ठा नारा लगाओ। हुड्डा साहब मंडी के टीन की छत इतनी गर्म है, आटा गूंद के कोई लोई गेर दे तो आधे घंटे में रोटी बन जाएगी, इतनी तपरी है। ये बारात में नहीं जाते इतनी गर्मी में, आप ठीक भावुक हुए, आपके लिए तपस्या कर रहे हैं, प्यासे हैं। और एक बात और कहता हूँ, भाषण खत्म करके जब तक आप जय हिंद नहीं बोलोगे एक भी नहीं उठेगा, आप देख लेना ऐसे तपस्वी लोग हैं। फिर एक बार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भाई इतना शांति से सुनना है,
कि सुई भी गिरे तो उसकी आवाज सुनाई दे। धन्यवाद। आज इस सामाजिक भाईचारा रैली के उपलक्ष में उपस्थित सभी विधायकगण, रोहतक के सांसद अजीत दीपेंद्र जी, पूर्व विधायकगण